बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज का मौजू आपको पता है कि सियासी मौजू ज़ाहिर है, उस पर बात होगी और जो मिज़ाइल टेस्ट किया पाकिस्तान ने उस पर बात होगी। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो इस वक्त जो मामला चल रहा है, हुक्म जो हमारा अदालत की तरफ से आया है इस्पीकर नेशनल असम्बली को कि वो वोटिंग कराएँ, तो वोटिंग के साथ साथ में उन्होंने बहस शुरू करा दी है और अभी मेरा ख्याल है कि और रात के 12 बजे तक उनके पास टाइम है दो काम करने हैं उनको। एक तो ये है कि वो वोटिंग कराएंगे अपने जो अदम अतमाद के सिलसिले में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और दूसरा फिर ये है कि वो जो नया कायदे अमान मुकर्रर होगा उसकी वोटिंग कराएंगे। तो इस पर ये दो काम हैं उनके पास जो है। इस वक्त दो घंटे भी नहीं हैं, डेढ़ घंटा है, और इस डेढ़ घंटे में उन्हें दोनों काम करने हैं, वरना तो फिर ये मैन मुमकिन है कि ये हुकूमत अदालत की हुकूमत अलवी हो जाए और मुमकिन है कि फिर स्पीकर साहब मुश्किल में आ जाएं, या फिर उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो 69 की क्लॉज है दस्तूर की, उसके तहत में शायद अदलिया को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये फ़ैसला दे। लेकिन बहरहाल अब अदलिया का फ़ैसला दे दिया और जब ये अदलिया के फ़ैसले के मुताबिक जो ये आज का इजलास बुला लिया गया है, तो इस पर हमारे साथ में जनाब मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कय्यूम साहब मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैंने जो अभी इंट्रो दिया है इसके बारे में कि ये जो वोट दो काम हैं स्पीकर को कि आज के दिन ही वो उनको तहरीक अतमाद को निपटाना है और साथ साथ में जो अवान का जो नया लीडर है उसको चुनना है, तो उसको अभी 11:20 हो गए हैं या 20 मिनट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। तो फरमाएं कि आपके नज़र में ये क्या मसला, ये कराने का इरादा रखते हैं या नहीं? देखिए मेरे साहब, एक तो ये हमारे मुल्क की बड़ी बदनसीबी है। अगर हम जमहूरियत पसंद हैं और हम मुल्क के आईन पे हमारा ईमान है और हम समझते हैं कि हमारी और हमारे आने वाली नस्लों की बका का दारोमदार इसी पे है कि हम मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा करें और एक कानून के मुताबिक चलें। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, आप डेड लॉक करेंगे तो फिर डिलेल होंगे। तो ये एक बदनसीबी है कि एक हुकूमत के खिलाफ सेनेट में भी उनकी मेजॉरिटी नहीं और नेशनल असेंबली में भी मेजॉरिटी नहीं, और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट आया है, और जो उनके इत्तेहादी थे पहले वो समझते हैं कि ये हुकूमत मिजरेबली फेल हुई है हुक्मरानी के अंदर, मुल्क के अंदर इनकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, इकानमी का बेड़ा गर्क हो गया है, डॉलर कहाँ पहुंच गया है। यही वजूहत थी जिसकी वजह से इत्तेहादी जिन्होंने आइंदा इलेक्शन में जाना है वो उन्होंने कहा कि हम फिर क्या लेके जाएंगे, हम तो फिर पार्टी टू द क्राइम हो जाएंगे, तो वो अलग हुए कुछ। और वहां तक ही नहीं, इनके अंदर से लोग भी बिल्कुल इतने मुतनफर हो गए कि 20-25 बंदे 30 बंदे वो भी अलग है, उनको ना भी काउंट करें तो सिर्फ इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन के नंबर ज्यादा है। तो मेरे ख्याल है ग्रेसफुल साहब, मैं एक और नई बात कहना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो ये तो दुरुस्त बात है कि अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत करता रहता है और मुदाखलत करता रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक में, कम से कम मैं 20 ममालिक का नाम गिनवा सकता हूँ मुदाखलत करता है। और हमारे मुल्क में तो बेश दफ़ा उन्हें जब जितने भी अयूब खान से लेकर मेरी सारी उम्र ये स्टडी करते गुजर गई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अदालत ने फैसला कर दिया है आपके खिलाफ, जो अवाम ने जो जैसा जो आपने बयानिया दिया वो उसके मुताबिक में भी अगर आप ये करते हैं, तो फिर मुझे ये महसूस होता है कि आप पाकिस्तान की कॉज की बजाय अमेरिकन कॉज को सर्व कर रहे हैं। इस लिहाज से कि आप मुल्क में अगर अदम इस्तेकाम का शिकार होगा तो फिर आपकी जो हुबुल वतनी है, या आप ये चाहते हैं कि अमेरिका के खामे तन के खड़े हो जाएं, ये एक बात भी सही है कि रूस जैसा मुल्क भी जो है अमेरिका के सामने तन के खड़े होने से इस्तनाब करता है, और जब वो उसके गले में आई है यूक्रेन का मामला तो वो क्योंकि बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ तो वो खड़ा हुआ है, अदरवाइज़ वो नहीं बोलता है। तो हम कैसे खड़े हो सकते हैं? अभी हमारी ये पोजिशन शायद नहीं है, और हम ये समझते हैं कि ये अल्टीमेटली जो अदम इस्तेकाम अगर मुल्क में जा होता है या ये करें या अपोजिशन करें, तो किसी भी सूरत में ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। जी आप फरमाइए। जी हाँ बिल्कुल, मैंने नया नुक्ता बिठाया है।
जी जो अमेरिका का रवैया है ना बैनुल अक्वामी सतह पे, वो तो काबिल मुजम्मत है ही। आपको पता है सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, ईरान में रिजीम चेंज हुई, मुसद्दक की हुकूमत को ख़त्म करके शहनशाहियत कायम की गई, पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन भी ये करते रहे। उसके लिए पूरी कौम इकट्ठी है और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसके पीछे है। ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि किसी लिहाज से भी अगर हमारी सोवरेनिटी पे कोई अटैक होगा तो हम पूरे मुतहद हैं, कोई भी ट्रेटर नहीं है। लेकिन ये जो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस है, ये अमेरिका ने नहीं कहा नूर आलम को, इनके मेंबर को या मुजदार को कि उसकी परफॉर्मेंस कम हो, या उसने ये नहीं कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर 5 बदल दें या CBR के चेयरमैन बदल दें, या आपकी जो डॉलर की फ्लाइट इतनी चली जाए, या आपके डेट्स जो हैं पिछले 70 साल में जो हैं उससे आप डबल कर दें। लोग तो उससे बिलक उठे हैं ना, तो दैट इज द रीजन। ये अभी फेस सेविंग के लिए इम्प्लीकेट कर रहे हैं एक बड़े मुल्क को, और वो भी अकलमंदी से नहीं कर रहे। देर आर वेज ऑफ डूइंग इट डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। जैसा मैं ये कह रहा हूँ कि आप नहीं, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो देखिए, मैं तो इसका मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन चंद दिनों से मैं इसकी हिमायत भी कर रहा था। तो अब मैं ये कहता था कि अब, लेकिन फिर मैंने ये बहुत सोच विचार के ये कहा कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अमेरिका की मुखालफत कर सकें और फिर सर्वाइव कर सकें इस तरह से। तो मैंने कहा कि जब रूस नहीं कर पा रहा है अभी भी यूक्रेन के अंदर, तो फिर हम अभी कैसे कर सकते हैं? तो अब अगर हम करते हैं तो फिर अमेरिका का तो फ़ायदा इसी में है कि हमें अदम इस्तेकाम का शिकार करें, तो हम क्यों उसमें शामिल हो रहे हैं? जी देखिए मिर्जा साहब, जो होती है ना स्टेट्समैनशिप गरीब मुल्कों की, थोड़ी उसका इम्तिहान ही ये है कि आप अपने आप को डैमेज भी ना होने दें लेकिन अपनी सोवरेनिटी को भी दांव पे ना लगाएं। आपको याद होगा कि जब ये न्यूक्लियर की हम तैयारी कर रहे थे, हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट लगी जियाउल हक साहब के टाइम में, इसके बाद भी सख्तियां होती रही, और जब हमने एक्सप्लोजन करना था नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, तो इधर तो मतलब है कि आप देखें कि पर्सन नो लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बिल क्लिंटन ने खुद टेलीफोन किए, एक नहीं कई टेलीफोन किए, और ये कहा कि ये तो वी वर रेडी टू पे दैट कॉस्ट, और हमने एक्सप्लोजन्स किए और उसके बाद हमें फॉरेन एक्सचेंज फ्रीज करना पड़ा। ये जो आप बात कर रहे हैं ये सेंसेबल है कि आपने ये भी देखना है कि हम किस तरीके से आगे चलेंगे। तो अभी भी हम ये कहते हैं कि जहां आप प्रोटेस्ट करें, जहां हम इकट्ठे हों और किसी मुल्क को ये जरूरत ना हो कि हमारे अंदर अब, वहां हम अंदरूनी अपनी कारकर्दगी तो बेहतर करें। कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो फिर आपके अपने जो टिकटों पे इलेक्ट हुए नुमाइंदे भी आपसे वो मायूस हो चुके हैं। तो कौम तो यही मांगती है ना कि कोई ऐसी हुकूमत आए जो अभी आप देखिए सुबह से सर्कस लगा हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा ऐवान है पार्लियामेंट हाउस, और उसके अंदर एक से आज अगर आप आज तो आज जो आप सर्कस की बात कर रहे हैं जन साहब, आज में सबने कपड़े धोए हैं अपने वहां पर और सब नंगे हुए हैं, और फायदा नहीं है। आप अपने आपने तमाम सारे मामलात को बीच में लेके आए, इतने लंबी बातें करें। जी जी वही ना, मैं कहता हूं कि सारा दिन डिले होता रहा है। आपको एक ऑर्डर, एक लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस ऑर्डर है, और उसमें कहा गया है कि आप आज के दिन को, ये जो सैटरडे का दिन है, इसको 3 अप्रैल का दिन समझें, और वो लास्ट डे था आपके 7 डे की जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आप इसकी वोटिंग कराएं। अभी रोजा रख के लोग सुबह से लेके 10:30 से लेके अभी रात के 10:30 हो गए हैं, नमाजें पढ़नी है, रोजा बंदगी करना है, आप रोजा रख के इतना चीट कर रहे हैं और इतना वायलेट कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि हाई कोर्ट भी खुल गई है और सुप्रीम कोर्ट को भी अभी उन्होंने खुला दिया है कि द मोमेंट ये 12 बजे तक ये नहीं होता तो फिर ये कंटेम्प्ट होगा, और हो सकता है कुछ लोग अरेस्ट हों, कुछ लोग डिसमिस हों, कुछ ऑर्डर अदालत एक नया दे दे कि जी वो पैनल ऑफ जो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उसमें से अगला बंदा आए और वोटिंग कराए। तो ये डिसग्रेसफुल वे है ऑफ एन एग्जिट, हमें ग्रेसफुली एग्जिट होना चाहिए। इलेक्शंस में लोग जीते भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हद तक अदलिया मदाखलत कर सकती है मुकन्नना में। जी देखें, अदलिया के पास एप्लीकेशन गई है अपोजिशन की तरफ नहीं, अदलिया के पास सिर्फ जो उसका जुरिडिक्शन है वो उसकी दस्तूर की एक्सप्लेनेशन का है। मुकन्नना एक अलग से इदारा, उसमें मुदाखलत इतनी हद तक नहीं कर सकती है कि वो वहाँ पर इस तरह से करे। आप जब आप आईन को देखें, ये जो बिजनेस है और रूल्स हैं,
ये सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, वो स्पीकर और चेयरमैन चलाता है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होती। लेकिन अगर आप आईन को वायलेट करें या कोई ऐसा कानून बनाए जो कि आईन की स्पिरिट के खिलाफ हो, या कोई अमेंडमेंट आईन में करना चाहे जो कि स्पिरिट की, उसमें अदलिया आती है। आप ये देखें कि बीसियों ऐसे केसेस हैं जो कि रेजोल्यूशंस पास हुए सिंध असेंबली में, बलूचिस्तान में। मैं अगले दिन देख रहा था 2015 में इंडियन जो कांग्रेस है उसके अंदर उन्होंने 99th अमेंडमेंट की है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑन द सिलेक्शन ऑफ द जुडिशियल, मेकिंग ऑफ द जुडिशियल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, वो उस सुप्रीम कोर्ट ने उठा के डस्टबिन में फेंक के उसको कैंसिल कर दिया है। तो आप जब वायलेट करेंगे, अभी जिस तरह डिप्टी स्पीकर वहां के नो कॉन्फिडेंस का आखिरी दिन है, वोटिंग करानी है, वो पड़ी हुई एक चीज छोड़ के चला गया है, तो इस तरह तो आज ये कर रहे हैं, कल तक ये जो नई हुकूमत आएगी ये इनके अगर 10 वोट भी कम हो या 50 भी कम हो, ये इस तरह करके कहेंगे नहीं आज ये हो गया वो हो गया। मेरे साहब ये जनरल अब्दुल कईम साहब हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा अब ये बात हम कर लेते हैं कि इससे पहले कि हम और मामले में बात करें, एक जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मामला हुआ है कि पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिज़ाइल का जो आज कामयाब तजर्बा हुआ है, बड़ी खूबी की बात यह है कि वो दिल्ली को निशाना में 3 मिनट में लगा सकता है और 18 मैक का वो, यानी आवाज़ की तेज रफ्तार से 18 गुना ज़्यादा है। ये मैंने 3 इंटरव्यू किए हैं इसके अपने जो साइंसदान हैं उनके और समरमंद मुबारक के और मेरे दोस्त भी हैं, तो लेकिन उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहते थे कि साहब ये इतना तेज़ है कि वो अब इनको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो उसको रोक सकें। अगर 18 मैक कह देते तो मेरी समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से बात आ जाती। तो अब जब ये आया है तो एक तो ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने जो बात किया है, जो नया तजर्बा किया है, इसमें एक तो कई तरह की मिज़ाइल, एक मिज़ाइल नहीं मालूम मेरे ख्याल में MIRV बना दिया है इसको, तो अब और वो निकोबार को भी हमला कर सकता है जहाँ पर इनके न्यूक्लियर एसेट छुपे हुए हैं। इस पर तबसरा फरमाइए आप जी। देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान के पास एक भी डिफेंस प्रोडक्शन की इंडस्ट्री नहीं थी, ये तकरीबन 16 थी जो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में थी, और हमने 303 राइफल की बुलेट भी बनाने के लिए ब्रिटिश रॉयल ऑर्डिनेंस पे डिपेंडेंट थे, और अल्लाह का करम है। अच्छा और फिर हमारा इरादा, कायदे आज़म ने भी कहा था जब उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की थी कि हम किसी के खिलाफ जारियत नहीं करना चाहते, हम सब मुल्कों से दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारे कंडक्ट होगा वो ऑनेस्टी और फेयर प्ले पे होगा, लेकिन हम ओप्रेस्ड और सुप्रेस्ड नेशंस के साथ खड़े होंगे और हम अपनी सोवरेनिटी का तहफ़ करेंगे। तो हम उस पर चल रहे थे, हम को डिफेंस की तरफ बहुत ज़्यादा माइल नहीं हो रहे थे, लेकिन इन्होंने, आपको याद होगा कि 1974 में न्यूक्लियर का धमाका किया, इसके बाद पाकिस्तान मजबूर हो गया, इन्होंने मिसाइल रेस शुरू की, पाकिस्तान मजबूर हो गया, हम अपने दफा के लिए करते हैं। आज अल्लाह का करम है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पार है, एक मिसाइल पार है, और मैं तो खुद चूंकि चेयरमैन रहा हूं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का 5.5 साल, और मुझे ये पता है कि बाई दी ग्रेस ऑफ अल्लाह हमें अभी किसी बाहर से असले की जरूरत नहीं, डिफेंस का जितना असला है वो हम अपना खुद तैयार करते हैं, और अभी हमारा तकरीबन जो मुख्तलिफ डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी है कि आप एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ले आप HIT ले आप टैंक्स भी बना रहे हैं, आप वेपन्स भी बना रहे हैं, और सो मच सो के फाइटर एयरक्राफ्ट भी अल्लाह के करम से JF-17 थंडर आया माशाल्लाह, अभी वो 10 सीरीज वाले जहाज माशाल्लाह हैं। तो हम ये जी तो अल्लाह के करम से हमारा डिफेंस मजबूत है। ये जवाब उस चीज का है जो अगले दिन इन्होंने ना निकाल के, तो वो एक क्रूज मिसाइल हमारी तरफ के, हमारे से मिस्टेक हो गई है, ये तो इतने नालायक हैं कि इनको ये नहीं पता इतने जहाज सिविल एयरलाइनर्स एयर पे हैं, किसी एक को साथ वो टकरा जाता तो क्या करता, लेकिन हम पोटेंट हैं, और पाकिस्तान जो कौम की दुआओं के साथ अफवाज पाकिस्तान अल्लाह के करम से बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है, और ये हमारी सिर्फ आपके गुफ्तगू के बाद में क्या ये जुमला कह सकता हूँ कि हम कन्वेंशन वेपन में और न्यूक्लियर वेपन में भी हम यानी जो है खुद मुख्तार हैं, हर चीज़ हम यहाँ अपने मुल्क में बनाते हैं जी बिल्कुल। देखिए मिर्जा साहब बात यह है, अगर हम ये ना करते
तो ये इंडियन तो जिस दिन इन्होंने एक्सप्लोजन किया था ये बगले बजा रहे थे, और ये तो ये हमारी वही हालत करते जो उन इंडिया के अंदर मुसलमानों की है, ये हमें दालत और शुगर समझते हैं। एक बात और भी है, बड़े दुख की बात ये है कि डिफेंस में दो वाकयात हुए हैं, खुद कफील है। नहीं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ दुखी के साथ में। जी जी बताएं। देखिए, एक तो ये हुआ कि जिस आदमी ने डिफेंस की बुनियाद रखी थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, अपने न्यूक्लियर की, वो मुझे क्योंकि सारी स्थिति है, मेरी किताब है जोहर नश्ते तहकीक, मैं आपको भिजवा दूंगा, वो उसमें मैंने ये बात जिक्र की है कि भुट्टो साहब 1964 से इस काम के पीछे थे, और अयूब साहब से उन्होंने कहा था कि आप उनके मुनीर खान साहब से मुलाकात भी कराई थी मैनचेस्टर होटल में लंदन में, कि इंडिया एटमी प्रोग्राम पर जा रहा है, हमें भी बनाना चाहिए। तो भुट्टो साहब ने वो जब 1974 का हो गया तो जैसा आप फरमा रहे हैं कि फिर उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और कदीर को बुला कर ये काम करवाया, और फिर बाद में हमारा बहुत सारा काम हो गया, 84 में हम न्यूक्लियर पावर बन गए थे। लेकिन उसी भुट्टो को फिर सज़ा दिलवा दी, यानी अब जाहिर है कि हमारे पास जो इत्तलात हैं वो तो यही हैं, जो तहकीक है वो यही है कि अमरीका ने दिलाई। फिर जब नवाज शरीफ साहब ने धमाका कर दिया तो उसको भी सज़ा अमरीका ने ही दिलवाई, और किन के हाथ दिलवाएं जिनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के मफाद में काम करें उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कम से कम। जी जी बहुत अच्छा मेरे साहब, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ एक आपके नाज़रीन के लिए इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो डिफेंस की बुनियाद है ना, न्यूक्लियर कभी ना बनता अगर आपके पास मदर डिफेंस इंडस्ट्री ना होती, और मदर डिफेंस इंडस्ट्री की पहली जो ईंट है वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर खान लियाकत अली खान ने रखी 1951 के अंदर, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग की PUF की, और फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजमुद्दीन ने दिसंबर 1951 में इसका इफ्तिताह किया। ये हमारे पास बेस मौजूद थी, और इसके ऊपर ये बिल्कुल ठीक है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अपनी पूरी एफर्ट की, हमारे साइंसदानों ने सारा किया, प्रेसिडेंट इसहाक का रोल था, प्रेसिडेंट जियाउल हक का था, बेनजीर भुट्टो थी या नवाज शरीफ साहब। नहीं भाई, आप यकीन मान लें सबका था जी, और बहुत ज्यादा मैं बेनजीर से मेरी मुलाकातें रही हैं, और मैं नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखता था नवाए वक्त में, क्योंकि मेरी नवाए वक्त में 25 साल तक मैंने कॉलम लिखा है। तो मैंने जब नवाज शरीफ साहब ने धमाका किया तो उस वक्त मैंने इनके खिलाफ कॉलम लिखना बंद कर दिया, और फिर बाद में मैं इनका मुशीर बना कराची में। तो उसमें तारर साहब ने कहकर मुझे कहा कि भाई आप बंद करो, अब तो इन्होंने धमाका कर लिया। मैंने कहा ठीक है जी। तो मेरा गुजारिश कहने की ये है कि मुझे दुख इस बात का है, और नवाज शरीफ को भी दुख इस बात का है, जिसने फिर बाद में फिर बहुत सी ऐसी बातें की जिससे कि आज ये इमरान खान जैसे कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आदमी मुस्तरिब हो जाता है जब वो खिदमत भी करे और फिर इसके बाद में उसको सज़ा भी मिले, तो वो ठीक नहीं होती बात। एक तो ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए इस बात को क्योंकि दुख की बात है वो। अब इसके बाद में हम ये कहना चाहते हैं कि ये इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो शाहीन का मिज़ाइल का तजर्बा है वो बेसिकली जो मियाँ चन्नू में ब्राह्मणोस भेजा था उसका जवाब है। जी हाँ, देखिए, इन एडिशन टू दैट भी वो डिफेंस के अंदर राफेल जहाज मंगाए हैं, मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, वो दनदनाते फिर रहे हैं, वो एक रेस में लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान अपना एक डिटरेंस, जो फुल प्रूफ डिटरेंस है, वो हमारे पास न्यूक्लियर भी है, मिसाइल्स भी हैं, और कन्वेंशनल वेपन्स भी हैं अल्लाह के करम से, और इसमें सबका रोल है। मैं आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली भी टेलीफोन किया था बिल क्लिंटन ने, और $5 अरब की ऑफर भी की थी, लेकिन हमने मुल्क के मफाद में किया। डजंट मैटर अगर बाद में देखें, हमें हर चीज को बैरूनी साजिश से जोड़ने की जरूरत नहीं, हमें अंदर मुल्क के अंदर आवाम के लिए बेहतरी करें और मुतहद होकर रहें। आप पॉलिटिकल डिफरेंस को पर्सनल एनिमिटी में ना तब्दील करें। मुल्क के मफाद के लिए हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है, तो खुदा के लिए अभी आप देखना ये माहौल जो पिछला हमें गुजरा है कि लीडर ऑफ द हाउस ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को सलाम करना गवारा नहीं किया कि मैं कहीं पलीत ना हो जाऊं, मेरा हाथ खराब ना हो जाए, मेरी बेइज्जती हो जाए। तो आप अगर इलेक्टेड लोग हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, फिर भी इंसान जो है ना, नहीं एक इंसान जो है दूसरे इंसान से बदतर नहीं हो सकता है। वो अपने आप को अगर वो सियासतदान है तो उसे हर एक से रابطہ रखना पड़ेगा, चाहे वो दुश्मन भी हो आपको, लेकिन मुस्कुराते तो रहना पड़ेगा ना।
दूसरी बात जो है ना, ये प्रोटेस्ट की, देखिए आज से 1500-1600 साल पहले जब ये इस्लाम का जो एक सूरज की किरणें तलू हुई थी, तो उस वक्त ये कुरान करीम भी जब नाजिल हुआ तो ये कहा गया था कि जो फितना है वो कत्ल से ज्यादा शदीद है। तो आप अगर बाहर निकल के हकारत पैदा करेंगे और हुकूमतों को चलने ना देंगे, धरने देंगे और रोड़े अटकाएंगे, तो हुकूमतें नहीं चल सकती। आपके पास पार्लियामेंट का फ्लोर है, वहां आके आप अपनी तकारीर करें, हुकूमत को बिल्कुल सांस ना लेने दें। अपोजिशन का भी रोल है, हुकूमत अपने आप की कारकर्दगी को साबित करे। तो अल्लाह ताला करे कि हम इस रेट पे, अभी देखें ये पिछले दिनों से जब से ये नो कॉन्फिडेंस का हुआ, स्टैंड स्टिल है हर चीज, डॉलर गिर रहा है, इकोनॉमी खराब हो रही है, हमारी पब्लिक ओपिनियन बदल रही है, मीडिया के अंदर पोलराइजेशन है, सिविल सोसाइटी में पोलराइजेशन है, हमारे सब भाई हैं एक पार्टी में या दूसरी पार्टी में, तो हमें मिल के आगे चलना चाहिए। और अल्लाह ताला करे आज ये इनका जो चेंज है वो स्मूथली हो जाए और इसके बाद नई हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, हमने अब तफसील से गुफ्तगू कर ली है और हम दोनों इस बात पर एक राय पर मुत्तफिक भी हैं और एक उनको अच्छा मशवरा भी हमने दे दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त इनायत फरमाया। जी मेरे साहब, मुझे फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें तो वो उनके लिए भी बेहतर है। देखिए हमने कल के प्रोग्राम में ये बात कह दी थी कि देखिए इमरान जो हमारे कमर दिलशाद साहब थे उन्होंने मशवरा दिया था, हम इसका क्रेडिट उनको देते हैं क्योंकि जो जिसने कहा उसको ही हम देंगे। जी जी, हमें अल्लाह ताला ने बड़ा दिल बड़ा किया है। तो वो उन्होंने ये मशवरा दिया था कि भाई आपको अपोजिशन लीडर के तौर पर अगर आप बैठेंगे और आपके पास अगर फ़र्ज़ कर लीजिएगा आज 100 आदमी बैठे हुए थे, आपके 100 भी होंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है आपकी, और वो थोड़े दिनों में बढ़ जाएगी, 110 हो जाएगी, 120 हो जाएगी जब आपके थोड़ा सा नरम पॉलिसी होगी, तो एन मुमकिन है कि आपसे 150 भी हो जाए। तो फिर जो आपके हैं वो वापस भी आपके पास आ जाएँ, तो फिर इसके बाद में क्योंकि उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, धक्के मिलेंगे, पैसे जो मिल गए वो काफ़ी है। तो आपको जो जो करना है वो ये है कि आप खामोशी से बैठकर लीडर ऑफ द अपोजिशन के आपका तरबियत लें आप, और बजाय इसके कि क्योंकि अभी तक आपको सियासत की तरबियत नहीं है, आप सिर्फ जो ये हरकतें आप कर रहे हैं, मैंने 18 साल की उम्र में अपने स्टूडेंट जो यूनियन जो हमारी बनती थी उस ज़माने में, हमने उसमें ये काम इतने छोटे काम कर लिए, तो अब आपको इतना नहीं करना चाहिए, इतने गुस्से के काम नहीं करने चाहिए। जो इज्जत ज़िल्लत जो अल्लाह ताला देता है, तो आपको जो अगर किसी को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अगर आप एक ग्रुप ऐसा नहीं करता है, अपनी हुक्मरानी अच्छी नहीं करता है, तो हम उसको दूसरे ग्रुप को आप पर लागू कर आप उनके ऊपर आपके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। जी तो अगर हमारे यहाँ पर एक ही आपने अपने अपना जो अपना रोल अदा नहीं किया है या कोई भी वजह है, अगर फ़र्ज़ करो ये बात मान भी ली जाए कि अमेरिका आपके खिलाफ़ साजिश कर रहा है, तो आप तो उस साजिश का हिस्सा ना बने ना फिर, तो उसका तो मतलब अल्टीमेट यही है कि आपको अदम आपके मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करें। उसे कोई शहबाज शरीफ से दिलचस्पी नहीं है, शहबाज शरीफ का उसका हुक्म मानता है तो वो आपकी फिर भी इज्जत करेगा लेकिन शहबाज शरीफ की नहीं करेगा, वो बहुत आपको हकारत से देखेगा। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि जब हमने अब अफगानिस्तान में उनकी बात करा दी तो भी हमारा कभी एक लफ्ज़ शुक्रिया अदा नहीं किया। ये ठीक है, ये ऐसे लोगों का मगरूरों का होता है। और फिर आपको एक हम बताते हैं कि नेमतुल्ला शाह वली की एक बड़ी पेशन गोई है जो कि बहुत दुरुस्त साबित होगी, जैसा क्योंकि उन्होंने एक अपने 200 साल पहले मैंने जहीरुद्दीन बाबर का जिक्र कर दिया था, तो मैंने जब जहीरुद्दीन बाबर तो आज से मैंने कोई 400 साल पहले मैंने 500 साल पहले हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने 700 साल बल्कि तो उस वक्त उसमें अब 800 साल हो गए हैं, तो कोई एक पेशन कोई दुरुस्त मैंने गलत साबित नहीं हुई है। तो उसमें एक पेशन कोई ये भी है कि एक रे नामी मुल्क जो है अलिफ नामी मुल्क को तबाह कर देगा, तो हमें उसका फिर इंतजार करना चाहिए कि जो कुछ भी हो सूरत हाल, हमें तो अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि हम अमेरिका से लड़ सकें। और फिर जो बात जो चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कही थी वो दुरुस्त कही थी, हम उसमें आज भी हम उसमें कहते हैं कि जब हमने उन पर प्रोग्राम किया था तो हमने ये बताया था कि जब आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक नई डिप्लोमेसी से काम ले रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि साहब आप जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर आपको जो है हम अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते हैं, एक वो बड़ा जो भी वजूहत हमारे उनके स्ट्रेटजी ताल्लुकात हैं, तो अब स्ट्रेटजी ताल्लुकात हैं ज़रूर, तो अब उसको बाहर रखें, अब जो भी अगर वो हकारत से भी हमें देख रहा है तो फिर ये आपके तरफ किसी वक्त में झुक कर भी आएगा, जैसा कि पहले भी आ चुका है, दो दफ़ा तो आ चुका है, अब फिर आएगा आपके पास क्योंकि ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
लेकिन आपको ये बात है कि आपने मफादात देखे हैं जब आपने उसको तजर्बा कर लिया है सिपैक का, तो लेकिन मसला ये है कि मैं सिर्फ आपसे इमरान खान साहब ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उसके साजिश का हिस्सा ना बने। अगर आपने ये बात समझ ली कि वो आपके ख़िलाफ़ कर रहा है तो ठीक है, आप आवाम में चले जाइए, फिर इनके पास इनको वोटर ना कॉन्फिडेंस कर दीजिए और फिर इनको मजबूर भी कर दीजिए इलेक्शन कर लें। लेकिन ये जो बात सुप्रीम कोर्ट के जो क्या तो आपके पास कोई कानूनी जवाब होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट से आपका जो फैसला हुआ इसको इम्प्लीमेंट करा दें, फिर बाद में भी लड़ते रहें। लेकिन गो स्मूथ बजाय इसके कि आप मसाइल पैदा करें और प्रॉब्लम पैदा करें, वो ठीक नहीं है। अब अगर आपका, मैं ये जानता हूँ कि गैर मुल्की जो साजिश का बयानी है वो मकबूल हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कि पंजाब में क्या सूरत हाल है, लेकिन कराची में तो बहुत ज़्यादा आप मकबूल हो रहे हैं। तो अगर ये मकबूल आप हो रहे हैं तो फिर पश्तूनों भी हो रहे होंगे और पंजाबी भी इसको बहुत पसंद करते हैं, इस बयानियों को। अगर आप बहादुर हैं और शेरों की तरह खड़े हो जाएं तो फिर आप खुद ही चले जाइए ना, तो ऐसे मौका अख्तियार करें कि आप उनको, जो आपने कहा साहब अदालत ने फैसला कर दिया है, मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ उनको, जा रहा हूँ और अपोजिशन में बैठता हूँ, बैठ जाइए अपोजिशन में और इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कीजिए कि ये आपका, ये कमज़ोर लोग हैं, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्योंकि जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं एक साथ हुए हैं वो आपस में नज़रियाती उन्होंने अभी इंटरव्यू दे दिया है बीबीसी को, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जी, कि साहब हमारे और इनके इख्तलाफात हैं नज़रियाती, हम इनके साथ में मिल के नहीं बैठ सकते नून लीग के साथ में। तो देखिए ये वक्ती इत्तेहाद है, अगर अमरीका ने कराया तो ये पाकिस्तान की तारीख भी ये है कि जब भी कभी इत्तेहाद बने हैं वो क्या तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट बनाती थी, अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम तो न्यूट्रल हैं, तो अमेरिका ने अगर बना दिए हैं तो बना दिए ना जी, फिर पहले भी तो अमेरिका के कहने पर ही बनते थे। 2008 में भी दोनों जमातों ने मिलकर हुकूमत नहीं, आईजीआई भी तो हमीद गुल तो खुद कहता था ना कि आईजीआई मैंने बनवाई जी। नहीं मेरे साहब, अभी 2008 में जो हुकूमत बनी थी पीपल्स पार्टी की, नून लीग काबीना में शामिल थे, लड़ाई हो गई जी हाँ। तो ये तो सियासत तो ऐसी है कि भानमती है यार, आप देखे ना कि ये आप भानमती का कुनबा है, ये किसी बार लड़ेंगे और ये मेंढकों की पंसेरी है, किसी वक्त भी आप इसे तोड़ना शुरू करेंगे ये चार मेंढक उधर के चले चले जाएंगे जी। तो आप आप हिम्मत का मजारा करें और आप सब्र तहमल का भी मजारा करें, अगर आपके साथ जुर्म हो रहा है तो तब भी आप सब्र करें और इस प्रोसेस को जाने दें, कोई घबराए नहीं इस बात से। लेकिन अगर आप इसमें, आप खुद कहते हैं घबराए नहीं, आप खुद घबरा रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस पर आप इसको मुकम्मल होने दें, क्योंकि आपके पास अब इस वक्त ग्राउंड नहीं रहा है, और अगर है तो फिर वो इंतशार का है, वो इंतशार में अगर आप जाएंगे तो मुल्क के लिए मफाद में नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि आप इतना बड़ा काम कर जाएं करें जिससे मुल्क की मफाद खतरे में पड़े जी। मेरे साहब मुमकिन है कि वो कुछ तहफ़ुज़ात रखते हों और कुछ चीज़ों की गारंटी चाह रहे हैं नहीं, ये आइंदा ना हो मेरे भाई। आप देखिए ना, अगर आप ये बात करते हैं तो वो तहफ़ुज़ात तो बाद में भी हो सकते हैं, आप मर्दों की तरह से फिर तहफ़ुज़ात के बजाय वो उनका मुकाबला करें। और फिर भाई जैसे जरदारी साहब ने दुरुस्त कहा कि पीपल पार्टी वाइट पार्टी के जेलों में जाती है, सख्तियां बर्दाश्त करती है, लेकिन अभी पार्टी के साथ रहते हैं लोग बाग। और फिर इसके बाद में वो नर्सरी है शामिल कुरैशी साहब वहाँ से आए, ये जो दूसरा जो आप वजीर कानून का किरदार अदा कर रहा है, कि पीपल्स पार्टी सब पीपल पार्टी से आए हुए हैं। तो आप भी जो है अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं, आप अभी तक आपकी पार्टी बनी नहीं है, आपके जो है अवामी आपकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और आपकी मकबूलियत को आप उसको अब इस्तेमाल करें। अब आम आदमी के जो मसाइल बढ़ रहे हैं और उसमें हुकूमत ने, ये भी हम जानते हैं कि जो आपने बहुत से काम किए हैं वो उसके जो फ़वाद मिलेंगे वो जो दो चार साल बाद में मिलेंगे, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि इस वक्त अगर आप इस वक्त जो है अगर मुश्किल पैदा करेंगे लोगों के लिए तो फिर आपका या इस जो प्रोसेस है उसमें रुकावट डालेंगे, तो ये अब पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये अमेरिका के मफाद में है। तो अमेरिका के मफाद को आप करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं कि अमेरिका मफाद का, उसके ख़िलाफ़ आप जंग कर रहे हैं, तो फिर क्यों आप एक इंतजार पैदा कर रहे हैं, हो जाने दें इस बात को, और फिर इसके बाद में आप अपने चले जाएं आवाम के पास और इनको मजबूर कर दें। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हुकूमत में रह के आदमी करें, बाहर में रह कर सकता है खिदमत, बल्कि अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आप करके आपकी मकबूलियत बहुत है, तो आप उससे क्यों घबराते हैं, छोड़ दें इकदार और इनको दे दें, देखो कैसे खुद लड़ेंगे आपस में। क्योंकि अभी जब आईएमएफ के सामने जाएंगे उनकी शरायत मानेंगे, नहीं आईएमएफ की शरायत हैं, आपकी एफएटीएफ की शरायत हैं, तो फिर आवाम को अगर वो कहते हैं, अमरीकन ये कहते हैं कि साहब एफएटीएफ से हम निकाल देंगे या आईएमएफ से आपको निकाल दें, तो ये
ये अच्छा सौदा है आपके बदले में, अगर वो शहबाज शरीफ को ये दे देते हैं तो पाकिस्तान के लिए अच्छा सौदा है, क्या बुरा सौदा है ये। और फिर इसके बाद में फिर आप आ जाइए, फिर कोई आप ऐसी पोजीशन कर दीजिए, फिर आपसे कोई और रियाद अमेरिका लेने के लिए फिर छोड़ दीजिए। ऐसा सियासत करो ना, जो सियासत करते हो तो सियासत तो सिर्फ एक मुकाबले का नाम थोड़ी होता है, ये कोई जंग थोड़ी हो रही है अभी। जी जी, और जो एंटी अमेरिका का जो बयानिया है ना, वो पाकिस्तान में वैसे ही मकबूल है। नहीं मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में, मैं कराची में रहता हूँ, आपका बयानिया बहुत मकबूल हो रहा है और बाकी जगह पर पंजाब में भी शेरों को पसंद करते हैं, और आपने बहादुरी का काम किया कि अमेरिका के सामने खड़े हो गए, तो ठीक है। तो आप इस बयानिए के तहत में अगर आवाम के पास जाएंगे तो आपको बहुत वोट मिल जाएंगे, जो अभी वोट नहीं मिले थे। अभी तो जो बात आपकी सही है, जो बात ये लोग कहते हैं, भाई आपको ये बात इसमें हमसे ज़्यादा आप भी जानते हैं कि आपको वोट दिलाए गए थे जी। अब आप देख लीजिए कि जो आदमी जीत के गए यहाँ से वो जीत सकते थे, आपको वहाँ पर आपको जो है अब जैदी को नहीं मिलेंगे, आम लियाकत को वोट नहीं मिलेंगे। देख लेना आप कितने, अगर 200 से ज़्यादा वोट ले जाएं तो हमें मुझे जो सजा देना चाहें दे दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है मेरे साहब, देखते हैं आगे क्या होता है। वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का जी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।